कतर सिक्योरिटी गार्ड एमओआई मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, कतर में जो सिक्योरिटी गार्ड का एमओआई मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक होता है और मेडिकल को पास कैसे करें। मसलन ऐसे ऐसे सवाल मुझे बहुत आए, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको गाइड करते हैं जो कतर का एमओआई मेडिकल है सिक्योरिटी गार्ड का, वो कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एमओआई का मेडिकल बहुत आसान होता है अगर आप मेडिकली फिट हैं, यानी आपने क्यूओवीसी मेडिकल करवाया है और आपका मेडिकल उधर से पास हो गया है, तो आप ये समझ लें कि मेडिकल आपका एमओआई का भी पास हो गया। ये मत सोचें कि वही मेडिकल क्यूओवीसी वाला एमओआई में चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, आपका दोबारा मेडिकल होगा। और मेडिकल में क्या क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या क्या चेक किए जाते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको रूम में, यानी आपको पेपर दिया जाता है, जो उधर का अदारा होता है, जो ऑफिस होता है, एमओआई ऑफिस होता है, वो आपको पेपर देते हैं। जिस डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे वो आगे टिक लगा देगा, यानी इसका मेडिकल हो गया। ये नहीं कि ये पास हो गया है, वो सिर्फ ये टिक लगाएगा, ये लिखेगा कि इसका मेडिकल इस मैंने ले लिया, समझ रहे। तो सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं, जैसे क्यूओवीसी का होता है सेम होता है लेकिन जरा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाता है, फिर आपका ब्लड निकाल लिया जाता है और उस ब्लड में भी 4 से 5 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, एचआईवी और भी 3-4 टेस्ट और भी होते हैं, समझ रहे। तो ब्लड लेने के बाद आपको नेक्स्ट रूम में भेजा जाता है, वहां पर आपका आईज टेस्ट होता है, आईज टेस्ट भी होता है। आईज में आपका, अभी काफी लोग पूछेंगे ऐनक लगाकर आईज की जो ग्लासेस है वो लगाकर हम मेडिकल दे सकते हैं, मेडिकल दे सकते हैं, किसी किस्म की आपको मुश्किल नहीं है, आपको इजाजत होती है आप ऐनक लगाकर मेडिकल दे सकते हैं। अभी काफी लोग क्या करते हैं, ऐनक नहीं लगाते, ऐसे ही मेडिकल देते हैं कि हमें आईज अनफिट ना करते। देखें ज्यादा कमजोर नहीं है, आपको नजर अच्छे से आता है, ऐनक लगाकर दें। अगर ऐनक लगाकर भी आपको अच्छे से नहीं नजर आता, जरा थोड़ा धुंधला हो जाता है, उनको लगे ये ऐनक लगाकर भी अनफिट है, तब जाकर आपको मुश्किल होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐनक लगाकर पढ़ लेते हैं, तो आप कोशिश करें ऐनक लगाकर मेडिकल दें, समझ रहे। और उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, ठीक है, क्यूओवीसी में भी चेस्ट का एक्सरे होता है। आपका दाग आ जाए, टीबी का दाग या फलां दाग या स्मोकिंग करते हो तो फिर भी आप अनफिट हो जाओगे, तो जरूरी नहीं है अनफिट हो जाओगे तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा, आपका कंपनी आपका 1 महीने के बाद या दोबारा अप्लाई कर देगा 15-20 दिन के बाद, जब आपका थोड़ा टाइम गुजर जाए, आप मेडिसिन यूज करें, अपने आप को फिट करें, तब आपकी कंपनी आपका दोबारा मेडिकल के लिए अप्लाई कर देती है। और मेडिकल फिर से दोबारा प्रॉपर नहीं होता, सिर्फ उसी पार्ट का जिस पार्ट में आपका प्रॉब्लम आया, मसला आया, यानी आपका आईज का मसला आया, आप चेकअप करवाएं, अपनी आईज ग्लासेस बनाएं, मेडिसिन यूज करें, जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको, वो करने के बाद आप जब ठीक हो जाए, जरा थोड़ा बेहतर महसूस हो जाए, तो आपकी कंपनी आपका फिर दोबारा मेडिकल अप्लाई कर देती है। यही सिर्फ टेस्ट होते हैं एमओआई मेडिकल में। ब्लड टेस्ट, बीपी चेक किया जाता है, अगर बीपी नॉर्मल हो तब जाकर आपका ब्लड निकाला जाता है। उसके बाद आपकी आईज टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, और यही 3-4 टेस्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी टेस्ट कंपनी या एमओआई नहीं लेती। तो आप अपने जेहन से ये निकाल दें कि और भी टेस्ट होते हैं, बॉडी पार्ट के कपड़े उतार देते हैं, कच्चे पैंट उतार देते हैं, फिर जाके आपका मेडिकल लिया जाता है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी जरूरत सिर्फ क्यूओवीसी में होती है, वो भी कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट पर, अगर आपका नॉर्मल मेडिकल है तब नहीं होता। अगर आपका कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट हो के हमें ये बंदे का ये फलां टेस्ट भी चाहिए, तब जाके आपका होता है। तो एक बात आप लाजमी याद रखें, जब आप आपकी अगर नज़र कमज़ोर है, आपकी आईज साइड कमज़ोर है, वीक है,
तो आप अपनी आईज ग्लासेस लाजमी लेकर जाएं, इसके बगैर आप मेडिकल ना दें। उधर आपको इजाजत होती है लगाने की। अभी काफी लोग मैंने देखा है, मैं ये लाइन फिर दोहरा रहा हूँ, काफी लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि हमें कहीं अनफिट ना कर दें ये लोग। वो अनफिट आपको नहीं करते, आप ऐनक लगाकर पढ़ें, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आंख पर हाथ रख के आपसे मेडिकल लिया जाता है। तो इसलिए ऐनक लाजमी लेकर जाएं, ऐनक लगाकर मेडिकल दें। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो Instagram पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब Instagram पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।